मैया मां सृष्टि के साथ एकाकार हो रही है। क्या हो गया भाभी को? यशोदा मैया की अंतर ज्योति प्रकृति के मूल प्रकाश के साथ मिल रही है। उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है, परंतु आप ये नहीं चाहते थे कि मैया या किसी और को आपके दिव्यता के विषय में पता चले। आप सही कह रही हैं देवी, परंतु बालक नीलमणि को तो पता ही नहीं है कि उसके कारण क्या हो रहा है। वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा है, किंतु अभी उसे अपनी दिव्यता को छुपाना नहीं आता। मेरे अवतार को दूध पिलाने के इस सामान्य कार्य ने ही उनके सभी दोषों से उन्हें विहीन कर दिया है। वो मोक्ष प्राप्त करने की स्थिति में आ गई हैं। कुछ कीजिए प्रभु, ऐसा ना हो कि आपके मानव जीवन की यह अद्भुत कथा प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाए। आपके अवतार लेने का सर्व प्रमुख उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। समय बीता जा रहा है प्रभु, योग माया ही आप सहायता कर सकती है। उनका आवाहन कीजिए, कुछ कीजिए। प्रभु तो स्वयं ही चले गए, इतना महत्वपूर्ण है उनके लिए माँ की ममता को अनुभव करने का ये अवसर कि छोटे से छोटे संकट को भी पाँव का कंटक नहीं बनने देना चाहते हैं। जो देखा है भूल जाइए, जहाँ थे वहीं वापस चले जाइए।
समय कम है। मैया यशोदा को अंतिम सत्य ज्ञात होने से पूर्व ही इन सभी की स्मृति बदलनी होगी। दिन में ही नींद आ गई। मुझे भी जाने कैसे झपकी सी आ गई। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगो। काल कभी किसी के लिए नहीं रुकता, परंतु आज आपने काल की गति को ना केवल रोक दिया बल्कि पलट भी दिया। प्रभु, ये अभूतपूर्व है। जो असंभव को संभव कर दे वही तो है माँ की ममता। तुला के एक पल्ले में संपूर्ण ब्रह्मांड रख दीजिए और दूसरे में रखिए केवल ममता, फिर भी दूसरा पल्ला ही भारी होगा। काल इस तुलना में सदैव हारेगा देवी। यदि युद्ध माँ की ममता से होगा तो कभी ना पीछे लौटने वाले कालचक्र को भी अपने पैर पीछे खींचने ही होंगे। अब ये अद्भुत झांकी किसी को याद नहीं रहेगी और मेरी दिव्यता मैया के आंचल में छुप जाएगी। मैं यही हूं, मुझे तो अपने पुत्र को दूध पिलाने जाना था। जे ऐसे क्या देख रहे हो सबके साथ? मेरे लल्ला को फिर से दृष्टि लगानो है? अरे ग्रामवासी बाहर कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लल्ला को दर्शन के लिए बाहर ले जानो होगो। ना ना ऐसे ना नंद जी, पहले लल्ला को नहलाना पड़ेगो। अभी तो शुद्ध किया था लल्ला को, अभी फिर से नहलानो है? ना ना मेरा लल्ला अभी बहुत कोमल है। अबे और समय लगेगा, ऐसे लग रहा है जैसे नारायण जी के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारायण के दर्शन दुर्लभ ही होते हैं। बोला बोला सही कह रहा है। यशोदा चिंता ना करो, रोहिणी जी है ना, अनुभव है उन्हें, और फिर बाकी ये गोपियां भी तो हैं तुम्हारी सहायता के लिए। सभी गोकुलवासी सवेरे से हमारे लल्ला की एक झलक पाना चाहते। अब तुम ही कहो उन सबसे क्या कहूं मैं, पर तुम्हारे रामू सबला सभी गाय बछड़े वो भी तो कितने आतुर हैं। जैसे तैसे करके उनको गौशाला भेजो है ताकि वो भोजन कर ले। सहायक उन्हें नहला दुलाकर लाते ही होंगे। तुम भी शीघ्र नीलमणि को नहला दो। तो तैयार है लल्ला? सच कहूं तो मैं तो ना हूं।
अरे मैया, बड़ी से बड़ी महाप्रलय का सामना किया है तुम्हारे नीलमणि ने। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, मधुकैटभ, ना जाने कितने राक्षसों को धराशायी किया है मैंने। मैं भला साधारण से स्नान से क्यों डरूंगा? चलो। चलो चलो, शीघ्रता करो, जल्दी यशोदा जी आती होगी लल्ला को लेके। यशोदा जी, लल्ला के लिए पानी गुनगुना करवा दियो है। अजीत जी, उपकरण की व्यवस्था भी हो गयो है। और जे रहा आपका अंगोछा नहाने के बाद ना लल्ला का तन पोछने के लिए। रोहिणी जी कहाँ है? वो अपने बालक को दूध पिलाने गई है, उसे सुला के आती होंगी। अरे आप चिंता काहे कर रही हो भाभी, मैं हूँ ना आपकी सहायता के लिए। कल तक तो स्वयं अंगूठा चूसती थी, बालक को नहलाना कैसे आ गया तुझे? जशोदा जी, मैं बताती हूँ लल्ला को कैसे नहलाना है। सुलक्षणा चाची, मुझे पता है, मैंने मैया को देखा है अपने भाई को नहलाते हुए। देखने में और स्वयं करने में अंतर होता है लाली। जशोदा जी, आप ध्यान मत दो, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले लल्ला को तेल लगाकर थोड़ी मालिश करनी होगी। मालिश? किंतु मेरा लल्ला तो कितना छोटा है अभी, इसकी अस्थियां भी कितनी कोमल है। इसीलिए तो मालिश की जाती है जीजी, ताकि बालक शक्तिशाली बने। अरे आप मेरी सुनो, इधर उधर ध्यान दोगी तो हड़बड़ा जाओगी कि करना क्या है और क्या नहीं। आप बैठो यहाँ पे। हाँ, और अभी पैर सीधे करो। हाँ, अब लल्ला को पैरों पर लिटा दो। चला ऐसे नहीं, उल्टा उल्टा। अरे हाँ, ऐसे ही होता है, आप मेरी बात सुनो। उल्टा क्यों? देखो सुलक्षणा चाची, मेरे साथ राह ठानोगी तो आगे चल के बहुत भारी पड़ेगा। हाँ नहीं तो। और तुम सब लोग खड़े क्या हो? जाओ जाकर तेल लेकर आओ। ना ना, मेरे लल्ला को सांस लेने में समस्या होगी, मैं इसे उल्टा ना लिटाऊंगी। एक बार रोहिणी जीजी को आ जाने दो, फिर तय करेंगे क्या करना है। ये हुई ना बात, बस आप ही मेरी हितैषी हो मैया, इन्हें इनके षड्यंत्र में सफल मत होने देना। किंतु जीजी, उनको आने में समय लग जाएगा और बाहर सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे जशोदा जी, आप मेरी बात पर विश्वास करो, ऐसा ही होता है। हे नारायण, आप ही सहायता करो। प्रभु, अब क्या नहलाने भी आप ही जाएंगे? मैया घबरा रही थी इसीलिए मैं, किंतु मैया भी व्यर्थ ही चिंता कर रही है। मैंने कठिन से कठिन परिस्थितियों को संभाला है और देखो, मैया साधारण सी मालिश और स्नान को लेकर चिंतित है। ये कार्य सत्य ही इतना कठिन होता है क्या? हमें शीघ्रता करनी होगी, बाहर सब बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे। आप नीलमणि को मुझे दे दो, चाची जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। भाभी, आप नीलमणि को मुझे दे दीजिए, मैं संभालूंगी। तू भी बच्ची है कस्तूरी, पहले पल्लू संभालना सीख लो, फिर बच्चा संभालने की बात करियो। मुझे तो अनुभव है, मुझे दे दीजिए, मैं सब कर दूंगी। रोहिणी जी, इतनी देर क्यों लग रही है आपको? ओ चाचियों, मौसियों, बस करो, आप सब मेरी मैया को डरा रहे हो। नारायण, आप सहायता क्यों ना कर रहे, अब आप ही संभालो। मैया को हमारी आवश्यकता है, कृपया आप जाकर सहायता कीजिए। मैंने तो सदैव आपके चरणों की सेवा की है प्रभु, मैं कैसे आपको अपने पावों पर लिटा सकती हूं? योग माया इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है, और वो तो आपकी बहन है। बहन तो सदैव माँ की समान ही होती है ना।
आप उचित कह रही हैं देवी। अब योग माया ही मेरी सहायता कर सकती हैं। देवी योग माया, देवी योग माया, देवी योग माया। समझ ही ना रही हो, मैं सब कर सकती हूँ। किंतु मुझे अनुभव है जानकी, मैं कर लूंगी। अरे सो चिंता तो मत है, लेकिन नवजात बालक के लिए हाथ कोमलता से होनी चाहिए। आपका कोमल स्वभाव पूरे गांव को पता है चाची। कहना क्या चाहती है तू, सच सच बोल। नहीं नहीं बोल ना, बोल। बस करो सबके सब, करो सबके सब। सब यशोदा की सहायता करने आए हो या आपस में झगड़ा करने? मैंने आपकी कोख से जन्म तो लिया था माँ, पर आपका साथ, आपका सानिध्य नहीं मिल पाया था मुझे, वही लेने आई हूं। चलो हटो। चिंता मत करो, मैं आ गई हूं यशोदा मैया। अरे ये तो आती ही अधिकार दिखाने लगी। बहन योग माया, बिल्कुल सही समय पर आई हो। इन सब ने तो मैया को परेशान ही कर दिया था। लो लल्ला को मुझे दो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। न जानना पहचान, पूरी तरह अनजान। यशोदा जी, इन्हें मत दो अपनी संतान। जी जी, ये बात तो सही है, हम में से कोई भी इन्हें पहचानता नहीं है। पहचानती है यशोदा मैया मुझे। पहचानती हो ना? विश्वास नहीं है मुझ पर? ना ना, यशोदा भाभी ना देने वाली लल्ला को। लल्ला के संबंध में जो हम पर विश्वास ना कर पा रही माई, फिर तुम पर कैसे करेगी? जाकर बता दो सबको कि लल्ला सबसे मिलने के लिए तैयार हो रहा है। मैं जाऊंगी सबसे पहले। चल जानकी, मैं भी। लल्ला अब सबसे मिलने के लिए तैयार हो रहे हो? ध्यान देना यशोदा मैया, तेल लगाने के बाद ही
असली मालिश प्रारंभ होगी। अपने भाई की सहायता करने आने के लिए धन्यवाद बहन योगमाया। चिंता मत करना नीलमणि, तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी मैं। परेशान मत हो मैया, हम दोनों कुछ नया सीखेंगे आज, बहुत आनंद आएगा। ये हुई ना बात, आ रहा है आनंद, आ रहा है, ऐसे ही करती रहो योग माया। कोमलता से लल्ला के हाथ पैर को ऐसे दबाना होता है। मुझे तो लगा था ये सब आसान होगा, क्या कर रही हो योग माया, मेरे तन को ऐसे क्यों मरोड़ रही हो? ऐसे अब पीठ की बारी है। धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, ये अत्याचार समाप्त हुआ। है? अब मुझे उल्टा क्यों कर दिया? संभाल के योग माया। आप चिंतित ना होइए। बाकी है क्या बहन? रीढ़ का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक होता है। मुझे पता नहीं था स्नान करना इतना कठिन भी हो सकता है, इससे आसान तो संसार संभालना है। वैसे तो एक माता अपनी पुत्री को संसार के विषय में सब कुछ सिखाती है, किंतु यहाँ पुत्री अपनी माँ की सहायता एक माँ की तरह कर रही है। सिखा रही पुत्री, देखो सीख रही है माँ, पर ना पाए पहचान है न्यारी प्रभु लीला। बहन भाई की सेवा करती देखे गोपियां, संबंध अनोखा सबके सब, पर कोई जाने ना, पर कोई जाने ना। सूर्य देव की किरणें लल्ला पर पड़ने दो मैया, धूप से ही तो इसे आवश्यक शक्ति मिलेगी, जिससे इसकी अस्थियां और तन शक्तिशाली बनेगो। मैं तो तुम्हें देखकर प्रसन्न था योग माया, मुझे लगा था तुम मेरी मैया का कष्ट दूर कर दोगी, पर तुमने तो मेरा ही कष्ट बढ़ा दिया। बहन होने का पूरा लाभ उठा रही हो तुम। अब हम इसे हल्दी और बेसन के मिश्रण से नहलाएंगे और संभ्रानी से सुखाएंगे। अब ये अजीब सी वस्तु क्या है, ये चिपचिपा रही है, किस बात का दंड दे रही हो बहन? मुझे पता है
आप बहुत चिंतित हैं यशोदा मैया, पर नारायण पर भरोसा रखे, सब अच्छा ही होगा। इतनी सावधानी के बाद भी वो कपटी विष्णु मुझे धोखा देने में सफल हो गया। दुष्ट है वो, छलिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक बार फिर छल का प्रयोग करके जीत जाएगा। मार डालेगा वो विष्णु मुझे। आप सभी भली भांति परिचित हैं मुझसे, जानते हैं मेरे स्वभाव को। जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है, जब प्राणों पर आ जाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। किंतु सत्य ये है कि आज मुझे भय लग रहा है। महाराज आदिराज कंस, जिसकी एक हुंकार पे संपूर्ण संसार कांप उठता है, आज उसे भय लग रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भय आपके सम्मुख भटक भी नहीं सकता। क्या आपको स्मरण नहीं हम आपके मित्र कैसे बने थे? मैं भूमासुर, ये बकासुर, और वहां बैठे वत्सासुर और वाणासुर। जीवन भर में जो भी हमारे सम्मुख आया, हमें उसे यमराज के पास भेजने में एक क्षण भी नहीं लगा। किंतु फिर वो हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। विश्व विजयी असुरों को आपने सहज ही पराजित कर दिया। एक ऐसा अभूतपूर्व योद्धा महाबली कंस आज भयभीत हो रहा है। यह संभव है महाराज? जिसने आपको भयभीत करने का दुस्साहस किया है, उसके प्राण हरने का समय आ गया है महाराज। विष्णु के विरुद्ध हम सभी आपके साथ हैं। महाराज, तुम सबकी मित्रता मेरी शक्ति है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब उस विष्णु अवतार को ढूंढने में मेरी सहायता करो। सोचो कैसे खोजा जा सकता है उसे, कहां मिलेगा वो? विष्णु, विष्णु, विष्णु। बातें तो बहुत अच्छी कही, किंतु ये क्या कर रही हो? मत डालो, नहीं, नहीं। आहा, अब आया आनंद। योग माया, तुम्हारा धन्यवाद। सचमुच ये अत्यंत आनंददायक है, किंतु सत्य कहूँ बहन, मैया की गोद से अति सुखद और कुछ भी नहीं है। विष्णु कोई भी रूप धारण कर सकता है, हम उसे पहचानेंगे कैसे? बल का प्रयोग आसान है वत्सासुर, बुद्धि का प्रयोग करो, कुछ भी करना पड़े करो, किंतु उपाय खोजो। मिल गया उपाय, मैं जानता हूं उसे कैसे खोजना उस छलिये को। शीघ्र बताओ बकासुर, क्या सुझाव है तुम्हारा? विष्णु जैसा व्यक्ति वही निवास करेगा जहाँ सत्य और शांति व्याप्त हो, जहाँ गायों की पूजा होती हो और बच्चे बिना किसी भय के सुरक्षित वातावरण में खेलते हों, जहाँ ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करते हों, जहाँ यज्ञ हवन होता हो, ऋषि मुनि तप करते हों, जहाँ विष्णु के भक्तों को पूजा आराधना करने की स्वतंत्रता हो। वाह बकासुर वाह,
बिल्कुल सटीक वर्णन किया है तुमने उस विष्णु के प्रिय स्थान का। बस अब हमें केवल विनाश का नृत्य करना है। ऐसे सभी स्थानों की शांति भंग कर देनी है, यज्ञ स्थलों को भ्रष्ट करना है, मंदिरों को नष्ट करना है, ब्राह्मणों को आतंकित करना है, गायों को छीनना है और उनकी हत्या करनी है। यदि हम ऐसा करने में सफल हुए, वो समाज रक्षक विष्णु स्वयं सामने आने पर विवश हो जाएगा और मैं उसका आसानी से अंत कर दूंगा। एक एक नवजात शिशु की हत्या करने में क्या कठिनाई आएगी भला? जी लो मैया, हो गया। माई, मुझे ये सब सिखाने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य था। मुझे बड़ा अपनापन सा लग रहा है आपके साथ, किंतु कभी मिले हो ऐसा स्मरण ना हो रहा है, समझ ना आ रहा है संबंध ही क्या है हमारा। मैया पुत्री का संबंध है हमारा। अरे मेरी बिटिया की तरह ही तो हो तुम। तो फिर आप ही बताओ माई, मैं ऐसा क्या करूं कि अपने लल्ला के लिए संसार की सबसे अच्छी मैया बन पाऊं? संसार की सबसे अच्छी मैया ही हो तुम। सदैव स्मरण रखना, तुम दोनों का मैया लल्ला बनना विधि का विधान है, विधाता की इच्छा है, श्री हरि नारायण का वरदान है। ये तुम जैसी हो बस वैसी ही रहना, अपने लल्ला की मैया, इसलिए तो आया है ये संसार में। मैया का कर्तव्य निभा पाना बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, क्या पता मैं जे निभा पाऊंगी भी कि ना। निभाओगी, बहुत अच्छे से निभाओगी तुम अपना कर्तव्य, इसीलिए तो चुना है इसने तुम्हें। जाओ, कोई जाकर लल्ला के वस्त्र ले आओ। यशोदा, क्षमा करना यशोदा, मेरा पुत्र रोने लग गया था, उसे सुला कर आई। ये लो मेरे पुत्र के वस्त्र, नीलमणि को पहना दो। पुराने वस्त्र? यशोदा, नवजात शिशु को पुराने वस्त्र ही पहनाने चाहिए, नए वस्त्रों से कोमल त्वचा को रगड़ लग जाती है। बस एक बार इसे वस्त्रों की आदत लग जाए, फिर तुम्हें जैसे वस्त्र अच्छे लगेंगे वैसे पहनाना। जी जी, जिन्होंने लल्ला को नहलायो मालिश की, वस्त्र भी उन्हें ही पहनाने चाहिए। नहीं माई, यशोदा किसे ढूंढ रही हो? लगता है चली गई। कौन? अरे जी जी, वही जिन्होंने अभी मेरी सहायता की।
जी मुझे ऐसा लगो जैसे मेरा कोई विचित्र सा संबंध है उनके साथ। मैं भी कैसी भावनी हूं, ना मैंने उनका नाम पूछो ना ही मैंने उन्हें कुछ दिया। आपने मुझे अपने हृदय से लगाया मैया, मेरे लिए संसार की समस्त नीतियों से बढ़कर है वो। यशोदा तुम कहाँ खो गई, चलो अभी लल्ला को तैयार भी तो करना है। बाहर सारे ग्रामवासी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे हैं, चलो। बस एक बार वो बालक मेरे हाथ लग जाए। प्रतीत होता है आप कोई नई लीला दिखाने वाले हैं प्रभु। लल्ला का हाथ न छुड़ा पा रही मैं, नवजात बालक में इतनी शक्ति। इससे पहले कि मैया को संदेह हो, मालिश कराते ही अद्भुत शक्ति आ गई है तुम्हारे लल्ला में। चलो यशोदा आप शीघ्रता करो, पूरा गोकुल इकट्ठा हो गया है इसके दर्शन के लिए, सब बहुत आकुल है, अलग पावड़े बिछा कर इसकी प्रतीक्षा कर रहे। आप एक एक करके आइए, हमारे लल्ला से मिलिए और उसे आशीर्वाद दीजिए। मैं प्रथम हूं, सबसे पहले मैं मिलो हूं। मेरी गोकुल के दुलारे नंदलाल नारायण जी से प्रार्थना है, तुम बड़े होकर हमारे राजा बनो और अनंत काल तक तुम हम सबकी रक्षा करो।